इस पर बात करने के लिए कॉटयान ट्रेड लिंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव आनंद पोफट और एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स के सीईओ मेजर जनरल ओपी गुलिया हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर गुलिया, आप भी ऐसे ही देखते हैं बाजार को, आपको भी लगता है कि प्राइसेज यहां पर आके थमने चाहिए? बिल्कुल, मैं भी ये सोचता हूँ जो ये नी जर्क रिएक्शन हुआ है मार्केट में पिछले आज और दो दिन से, ये एक फियर साइकोसिस के कारण हुआ है। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्रभाव पड़ा, वैसे ही कमोडिटी में भी इसका असर आज देखने को मिला है। लेकिन कमोडिटी मार्केट काफी अलग तरह से बिहेव करती है और कॉटन का एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। दो दो चार चार दिन में ये जो हुआ है इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मेरा ये विश्वास है कि ये स्टेबल होगा और दोबारा से नॉर्मल जो पहले चल रहा था उसी तरह से शुरू हो जाएगा। बिकॉज हम ये सोचते हैं कि यान की डिमांड बहुत तगड़ी है, अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और हम उनको अभी सर्व नहीं कर पा रहे। तो डिमांड इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली यान की बहुत अच्छी है, तो उसी के अनुसार कॉटन के प्राइसेस भी जाएंगे, तो इट विल स्टेबलाइज, इट विल नॉट गो डाउन। या ओके, तो मेजर गुलिया, आपको लगता है कि यहाँ पर आके अब सपोर्ट बनेगा, लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स अभी भी यहाँ पर स्ट्रांग है और ऊपर में फिर आप कहाँ देखते हैं प्राइसेस जाते हुए? आपको लगता है अपसाइड भी यहाँ पर एक बन चुका है, अब एक रेंज रहेगी? हाँ, उससे ऊपर नहीं जाएगा। हमारा पहले से ही एक्सपेक्टेशन था कि दिसंबर के बाद में प्राइस और स्टेबल होंगे और तकरीबन ये आकर के 2.5 से 3 हजार और डाउन होगा इसमें, जो आजकल 6,767,000 चल रहा है वो थोड़ा सा और स्टेबल होगा दिसंबर में आके, जैसे ही सेकेंड पिकिंग शुरू हो जाएगी। एंड आई सी द प्राइस इज एनीथिंग अराउंड 62,000 to 65,000। मुझे बोलिए, आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी है, अगले 2-3 महीने तक के लिए आपके पास यहाँ पर ऑर्डर्स हैं बाजार में, लेकिन जो नया कोविड वेरिएंट आया है इससे चिंताएं हैं बाजार में। जिस तरह से हमने पिछले 18 महीने में बार बार एक पॉज एंड स्टार्ट वाला सिनेरियो आता हुआ देखा है, क्या वो अब से उस चीज का कंसर्न है? क्योंकि मार्केट काफी रेजिलियंट हो गई है और बहुत कुछ हमने सीखा है। पहली वेव में प्लांट्स बंद हो गए थे, लेकिन सेकेंड वेव जो आई थी उसमें कोई भी प्लांट बंद नहीं हुए थे, सभी स्पिनिंग मिल्स चल रहे थे और प्रोडक्शन चल रहा था। हालांकि यदि लूम्स बंद हो गए थे उसके कारण थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई थी, लेकिन अभी एवरीवन हैज लर्नड द लेसन और उसके बाद में ना मेरा ये विचार है कि ये डाउन नहीं होने वाला है। मार्केट इंडस्ट्री ने सीख लिया है हाउ टू लिव विद द कोविड थ्रेट। जी हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल बरकरार है कि बाजार ने समझ लिया है, सीख लिया है और अपने जो लॉन्ग टर्म्स हैं, फंडामेंटल्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग उसी हिसाब से यहाँ पर करने लगे हैं। आनंद जी, एक सवाल आपसे बिफोर ये डिस्कशन हम खत्म करें, और वो एक्सपोर्ट्स को लेकर है, आप कैसे वो नंबर्स देखते हैं, क्या वहां से भी स्ट्रेंथ जारी है? देखो, बांग्लादेश की कंटिन्यूस डिमांड इंडिया के कॉटन के लिए है। ओके, तो उनके पास इतनी ऑप्शन है इंडियन कॉटन, तो जो इजीली अवेलेबल है, इमीडिएटली अवेलेबल है। वर्ल्ड में दूसरा कोई भी कॉटन अभी करंट में अवेलेबल नहीं है। सबका शिपमेंट अप्रैल से पहले किसी का भी शिपमेंट पास नहीं है। तो उनको तुरंत में माल चाहिए तो इंडियन कॉटन ही उसको लेना पड़ रहा है अभी। और अभी अफ्रीका में अगर ये कोरोना बचता है, कोविड बचता है, तो अफ्रीका का एक्सपोर्ट जो शायद कुछ होने वाला है वो भी रुक जाएगा, तो इंडियन कॉटन की डिमांड और बढ़ेगी। तो ये एक्सपोर्ट तो अपना कम से कम 50 लाख गठान तो ये सीजन में जाना ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अभी भी मेरे ख्याल से कम 5 से 7 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिसका ट्रीटमेंट बाकी है दिसंबर में और जनवरी के लिए। ऑलराइट, पॉइंट टेकन, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, बाजार अच्छा खासा तेजी के साथ काम कर रहा है। अफकोर्स कुछ करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर नए कोविड वेरिएंट की तरफ से जरूर देखने को मिली है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट या डेंट बाजार में आएगा ऐसे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को फिलहाल नहीं लगता। आनंद जी और मेजर गुलिया, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत इत्मीनान से पूरा कॉटन का इंडस्ट्री हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।